वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों आज हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी जो 2017-18 में IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पर एक केसलेट DI का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमें नितिका ने भेजा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल की थी, यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट आपके यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोग खुद एक बार देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी करें। सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलेंगे। लिखा है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन टू स्कूल्स नेमली सेंट जेवियर एंड होली हार्ट स्कूल। दो स्कूल की बात है और इसमें कुछ स्टूडेंट जो है दो स्कूल में स्टडी करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट कहता है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन बोथ द स्कूल्स आर 210। इससे काफ़ी डेटा हमारा निकल जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ओके स्टडिंग इन बोथ द स्कूल्स आर 210। मतलब ये कहा जाए कि अगर एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दी हैं इन दोनों स्कूल में, तो ये कितनी दी हैं 210। ये दो स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 210, तो टोटल गर्ल्स आपको पता चल गई, ये हो गई 420। ओके, तो गर्ल्स आपने टोटल यहाँ पर निकाल ली 420, क्योंकि जब आपको पता है कि एवरेज अगर किसी वैल्यू का दिया, दो नंबर का एवरेज दिया है, तो यही तो हम कहते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, बाई टू। ओके, और ये किसी वैल्यू के बराबर दिया है, तो टोटल आपको निकालना है, तो इस टू की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वहां पर निकल कर आ जाता है। ओके, इसके बाद कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर एंड होली हार्ट स्कूल आर 2/5 एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन टू स्कूल्स रिस्पेक्टिवली। तो पहले आपको टू स्कूल्स में बॉयज की संख्या पता करनी है। ओके, कि जो सेंट जेवियर है इसमें कितने बॉयज़ हैं, होली हार्ट स्कूल है इसमें कितने बॉयज़ हैं। इसके बाद एक कंडीशन और है जिसमें कहा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन बोथ द स्कूल्स आर 810। ध्यान रखना कि यहाँ पर टोटल बॉयज़ हमें दिया है, टोटल बॉयज़ दोनों स्कूल में मिलाकर वो कितने हैं 810। ओके, अब हम इस वाली कंडीशन को ब्रेक करते हैं जो यहाँ पर लिखी है नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर एंड होली हार्ट स्कूल आर 2/5 एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन टू स्कूल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लो कि जो सेंट जेवियर है वहाँ पर बॉयज की संख्या एक्स है, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट द बॉयज इन सेंट जेवियर ये कितने हैं, ये मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर। ओके, तो ये पता है आपको कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले में, ये तो मैंने सेंट जेवियर का बता दिया, अगर मैं होली हार्ट स्कूल की बात करूँ फिर होली हार्ट स्कूल में कितना हो जाएगा, टोटल में से एक्स को लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 810 माइनस एक्स। ओके, तो होली हार्ट स्कूल में बॉयज़ की संख्या आपको पता चल जाएगी। ओके, तो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हुए इस वाली लाइन को रीड करते हैं। अब इसमें लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं सेंट जेवियर में वो क्या है 2/5 है। ओके, जो बॉयज़ हैं सेंट जेवियर में उनके बराबर। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर, यहाँ पर आप लिख लो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर, ये क्या 2/5 ऑफ एक्स, तो एक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह से ये 2/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन होली हार्ट स्कूल, तो आप यहाँ पर ये भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट वो कितनी है, वो है 2/3 किसका 810 माइनस एक्स का 810 माइनस एक्स का। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने टोटल गर्ल्स 420 निकाल दी, अब ये मुझे पता लग गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर ये इक्वेशन बनी और नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट आपकी ये इक्वेशन बनी। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो 420 के बराबर हो जाएगा। यही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो 2/3 एक्स है प्लस इसको 2/5 एक्स था, यहाँ पर 2/5 इसको मैं लिख दे रहा हूँ फिर से 2/5 एक्स प्लस 2/3 810 माइनस एक्स ओके इज इक्वल्स टू 420। अब इसका एलसीएम ले लोगे 5 और 3 का, तो ये आएगा कितना 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर आप एलसीएम ले लो, तो ये 5 से 3 बार कटेगा 3 × 2 6x हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपका हो गया 6x। ओके, प्लस अब ये 3 से 5 बार जाएगा 5 × 2 हो गया कितना आपका 10 हो गया ना यहाँ पर, तो 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये कितना हो गया 8100। ओके, 8100 हो गया माइनस 10x
इज इक्वल्स टू, पाँचों तीन का एलसीएम 15 था, 15 इंटू 420, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 इंटू 420। आप 15 इंटू 420 करोगे तो यह आएगा आपका 6300। ओके, अब क्या करो, x वाली वैल्यूज एक तरफ रखो और इसको एक तरफ ले आओ, तो देखो 6x है माइनस का 10x है, तो बचेगा माइनस का 4x, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या 4x हो गया। अब 6300 को इधर ले आओ, 8100, इसमें से 6300 को लेस करोगे कितना बचेगा 1800। अब x इसको 4 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितने बार जाएगा 450 बार यहाँ पर जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आपकी आ गई। तो x हमने किसको माना था, x मैंने माना था कि बॉयज़ की संख्या जो सेंट जेवियर स्कूल में है, तो ये कितनी आ गई 450। अब होली हार्ट स्कूल में बॉयज़ की संख्या 810 में से x को घटा दो, मतलब 810 में से अगर मैं 450 को लेस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 360। ओके, अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर ये भी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2/5 किसका है, x का है, तो x क्या है 450 है, तो 5 से इसको काटोगे ये 90 टाइम्स आएगा, 90 इंटू 2 कितना हो गया 180, तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी निकल कर आई सेंट जेवियर में 180। इसी तरह से होली हार्ट स्कूल में गर्ल्स को निकाल सकते हो, तो ये क्या है 2/3 किसका 810 माइनस ये 2/3 ऑफ 360। ओके, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डेटा निकाल दिया है 810 माइनस x, तो 2/3 ऑफ 360 ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज निकल गई, अब क्वेश्चन आपका इन्हीं के ऊपर बनेगा। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर 450, नंबर ऑफ बॉयज इन होली आर्ट स्कूल 360, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेंट जेवियर 180 जो ये मैंने यहाँ पर निकाली है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली आर्ट स्कूल दैट इज 240, फिर टोटल बॉयज 810 हमें दिए थे, टोटल गर्ल्स हमें 420 क्वेश्चन के हिसाब से हमने निकाल लिया था। अब इनके ऊपर आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको हम एक बार सॉल्व यहाँ पर करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल। तो नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर, नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर कितना है 450 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट कितना है 240, तो इनके बीच में क्या है डिफरेंस केवल निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आएगा 210 का। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट इन सेंट जेवियर। ओके, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो देखना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल, तो होली हार्ट स्कूल में गर्ल्स की संख्या कितनी है 240 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 240 लिख दिया। फिर आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सेंट जेवियर, सेंट जेवियर में गर्ल्स की संख्या कितनी है 180। ओके, तो बेस क्या लेना है आपको ये वाला, तो देखो 180 से 240 कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना 60। ओके, अब ये क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल आर व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सेंट जेवियर, कंपेयर किससे करना है सेंट जेवियर से, सेंट जेवियर का डेटा है 180, तो ये 60 ज़्यादा किस पर है 180 पर है इंटू 100, तो ये कितना 3 बार कटेगा, इसको काटोगे 33 होल 1/3%, इतना निकल कर आपका आएगा। ओके, पहले हमने मोर देन निकाल लिया, तो 240 जो है वो 180 से 60 ज़्यादा है, तो 60 आपका मोर देन आ गया। फिर मोर देन परसेंट निकालना है, किस पर निकालना है सेंट जेवियर दैट इज 180 पर, तो 60/180 × 100 ये आ गया आपका 33 होल 1/3%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज इन होली हार्ट स्कूल आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम स्कूल। तो ये देखो नंबर ऑफ द बॉयज इन होली हार्ट स्कूल, अब देखो होली हार्ट स्कूल में अगर बॉयज की बात करें तो ये कितना है 360। फिर कह रहा है कि आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेम स्कूल, होली हार्ट में गर्ल्स कितनी है 240, इनका परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100 कर दो, डायरेक्टली परसेंटेज निकल जाएगा। अब ये वैल्यू किससे कटेगी, 6 से काट लो इसको, 6 से 6 बार, 6 से 4 बार, 4 से कितने बार कटेगा 25 बार, 25 × 6 150, 150% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखो होली हार्ट स्कूल में कितने कैंडिडेट्स हैं, ये हैं 360, और गर्ल्स कितनी है होली हार्ट स्कूल में, ये है 240, तो 360 जो है वो 240 से ज़्यादा है। ओके, तो ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है ये 150% आपका इसके कंपेयर में बनेगा। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फोर्थ वाला, इसमें लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेंट जेवियर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल, एवरेज निकालना है, तो बॉयज सेंट जेवियर में कितने हैं, बॉयज सेंट जेवियर में ये हैं 450 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इन होली हार्ट स्कूल, गर्ल्स जो है होली हार्ट में कितनी 240,
इनका एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई टू कर दो, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 50 40 हो गया 90 और 4 और 2 690, डिवाइड कर दो 2 से, यह आ गया 345। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, लेकिन ये जो बात के क्वेश्चंस हैं 1 से 4 तक, ये काफ़ी आसान है, लेकिन बेसिक्स आपको आने चाहिए। देखो अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हुआ, हमने एवरेज का भी यूज़ किया, ओके, परसेंटेज का भी यूज़ किया है यहाँ पर, और जो हमारे कैलकुलेशन अप्रोच थी कि हम किस तरह से अपनी इक्वेशन बनाएं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, भिन्नों को कैसे सॉल्व करें, तो वो चीज़ें यहाँ पर आई। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें अपने फ्रेंड सर्कल में, इस क्वेश्चन को लोगों से डिस्कस करें ताकि वो लोग भी आपकी मदद कर सकें। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैं आप तक लेकर आता रहूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम की लुक एंड फील मिलते रहें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।